स्टार्ट। हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। मैं पवन सेंगर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सेंगर पर। तो दोस्तों, कल आप लोगों का प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्लास वन में। हाँ, थोड़ी सी क्लैरिटी पिक्चर में प्रॉब्लम रही या जो अभी थोड़ा बोर्ड पे क्लासेस चल रही है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आने वाले समय में हम लोग एप्लीकेशन पे क्लास करने वाले हैं, जहाँ पे बिल्कुल सब कुछ क्लियर होगा एकदम आप लोगों के लिए। क्लासेस रेगुलर चलेंगी और एक बात जानकर और खुशी होगी आपको कि एक दिन में आपको मिनिमम दो क्लासेस मिलेंगी। एक मिलेगी वोकैब की और एक मिलेगी आपको जनरल ग्रामर की। तो अभी तक जो भी स्टूडेंट किसी वजह से एडमिशन नहीं ले पाए हैं, एडमिशन ले सकते हैं, अभी भी ओपन है। भाई बच्चों ने ये बोला कि सर ऑफर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, तो अब ये ऑफर हमेशा रहेगा। आप चिंता ना करें, आप करते रहें, जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करें। क्लासेस की बिल्कुल परवाह ना करें। क्लासेस अभी अभी प्रीमियर पे चल रही हैं, इसके बाद मैं आप लोगों को लाइव सेशंस देने वाला हूं अपने एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का जो नेम है, जो बन रहा है, वो है इंग्लिश बाय पवन सेंगर। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी। ओके, चलिए तो आज क्लास नंबर टू स्टार्ट कर लेते हैं अपनी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स कंसेप्ट सीखे थे, आज हम सीखने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को पता हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर्स में होते हैं एट, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, ऑल दीज थिंग्स। तो इनको आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर हम CDS की बात करें तो CDS में 10 क्वेश्चंस आपसे पूछता है। अगर आप लोग बात करते हैं TET, सुपर TET, KVS, NVS, यहां पर भी आप लोगों को कम से कम एक से दो क्वेश्चन मिलते हैं। इसके अपार्ट फ्रॉम जब हम बात करते हैं SSC की, तो SSC में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछता आइडेंटिफिकेशन से, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब आप क्लोज टेस्ट कर रहे हैं तो क्लोज टेस्ट के अंदर आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में किस वर्ड के बाद ब्लैंक दिया गया है, किस वर्ड से पहले ब्लैंक दिया गया है, ये सारी चीजें देखकर हम लोग ये पता आइडिया कर लगा लेते हैं कि यहाँ पे नाउन आएगा, यहाँ वर्ब आएगा, यहाँ एडजेक्टिव आएगा, यहाँ वर्ब एडवर्ब आएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखने वाले हैं अपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अपना आता है नाउन। अगर नाउन की बात करें तो नाउन को जानते होंगे, हिंदी में भी संज्ञा बोलते हैं। अगर नाउन की बात करें तो नाउन जस्ट ओनली अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में हर चीज का अपना एक नेम है और उसी नेम को हम बोल देते हैं नाउन। जनरली एक नाउन का जो काम होता है, अगर हम लोग ये देखें कि किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन बेसिकली कैसे बनता है, वेरी फर्स्ट यूज सब्जेक्ट, देन यूज वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, एंड ऑब्जेक्ट। तो देखो, वर्ब से पहले आने वाला वर्ड अपना सब्जेक्ट है, एंड वर्ब के बाद यूज होने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट है ये हमारा एज अ नाउन हो सकता है, और एक ऑब्जेक्ट भी अपना नाउन हो सकता है। देखो बात ध्यान देना, मैंने ये नहीं बोला है कि नाउन ही होगा, मैंने बोला है हो सकता है, इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। तो किसी भी सेंटेंस में कोई अगर नेमिंग वर्ड जो सबसे पहले लग रहा है या वर्ब के बाद लग रहा है कोई नेम किसी का, उसे हम बोलते हैं नाउन। जैसे मैं आपसे बोलूं रोहित इज गोइंग टू लंदन, रोहित लंदन जा रहा है, तो रोहित इज अ नेम ऑफ पर्सन, ये नेम हो गया, एंड लंदन इज अ नेम ऑफ प्लेस। तो देखिए दोनों ही चीज है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं। तो यहां पे देखो वर्ब से पहले जो वर्ड लग रहा है इसे हम बोलेंगे अपना सब्जेक्टिव केस, और प्रपोजिशन के बाद यूज होने वाला जो वर्ड होता है इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो दोनों ही वर्ड हमारे क्या है, नाउन। तो पहला तरीका नाउन को पहचानने का क्या बना,
कि एज ए सब्जेक्ट हो सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट हो सकता है, बशर्ते वो किसी का नाम हो, किसी चीज का, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी फीलिंग का, है ना, इमोशन का। दूसरा तरीका, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड वे, वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई एनी नाउन। अगर आप लोगों ने देखा हो आर्टिकल, जनरली वी यूज आर्टिकल ए एन द, ये तीन अपने पास में आर्टिकल्स होते हैं। इन आर्टिकल्स के बाद, यानी कि आर्टिकल्स के बाद अगर कोई सिंगल वर्ड आप लगा रहे हैं, दैट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ नाउन। क्या मानेंगे उसे, हम नाउन मान के चलेंगे कि भाई आर्टिकल ए एन द, इन तीनों के बाद आने वाला जो वर्ड है उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन। जैसे मैं आप लोगों से ये बोलूं, ही इज अ बॉय, वह एक बॉय है, लड़का है, तो इस केस में ए अपना बना आर्टिकल। अब आर्टिकल के बाद अगर कोई वर्ड लगा रहे हैं, इट इज डैम श्योर कि ये अपना क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो देखो, जनरल कॉम्पिटिशंस में आप लोगों से किसी वर्ड को अंडरलाइन करके ये पूछ लेता है कि ये वर्ड क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है। इसके अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल्स के बाद अगर कोई वर्ड हम लगा रहे हैं तो वो क्या बनेगा, अपना नाउन बनेगा। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं, वी शुड हेल्प द पुअर। इस केस में देखिए, आप समझिएगा, आर्टिकल कौन सा लगा रहा है, द, तो पुअर जो वर्ड है ये अपना क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। तो आर्टिकल के बाद जिस किसी वर्ड को आप लगा रहे हैं वो हमेशा कंसीडर कैसे करना है आपको, एज अ नाउन। दोनों बातें क्लियर, आई होप यहां तक बात समझ गए होंगे। एक पॉइंट और समझते हैं, थर्ड पॉइंट। देखिए, पहला एज अ सब्जेक्ट हो गया, एज एन ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा हो गया आर्टिकल्स के बाद। बिल्कुल देखो, आराम आराम से सीखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार आप चीजों को समझने अगर लग जाते हैं, किसी भी चीज को आप ग्रैस्प करने लग जाते हैं, तो फिर स्पीड बढ़ाने में कुछ नहीं है, स्पीड जब कहेंगे आप बढ़ जाएगी। लेकिन फिलहाल हम लोग बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, तो इसलिए हम जीरो से चलेंगे, छोटी छोटी बातों को समझते हुए। ओके, तो भाई जितने भी स्टूडेंट हैं, शेयर करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनको भी बताओ कि हाँ, क्लासेस चल रही हैं। आइए नेक्स्ट, नंबर थर्ड। तीसरा पॉइंट अपना ये मान के चलते हैं कि नाउन को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, तो एक वर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स। देखो, पजेसिव वर्ड का मीनिंग होता है अधिकार, यानी कि ऐसे वर्ड जो आपके अधिकार को बताते हैं उन्हें बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। ये नंबर्स में होते हैं, संख्या में होते हैं, 8। जैसे आपने बोला हिज, हर, इट्स, माय, योर, आवर, वंस, ओके, एंड एक रह गया आप लोगों का, ओके, देखो, हिज, हर, इट्स, माय, योर, आवर, वंस, ये कितने हो गए, 7 हो गए। तो ही का क्या बना, हिज, शी का, हर, इट का, इट्स, माय का, सॉरी आई का, माय, यू का, योर, वी का, आर, और वन का, वंस। अब बचता कौन है, दे का क्या बनेगा, देयर। तो ये टोटल मिला के अपने पास में कितने हो गए, पजेसिव 8। अब 8 पजेसिव एडजेक्टिव है जो बताते हैं आपके अधिकार को, जैसे हिज का मतलब उसका, हर का मतलब भी उसका, इट्स का मतलब उसका, माय मतलब मेरा। तो किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद लगाया गया वर्ड हमेशा क्या होता है, नाउन। क्या मानेंगे इसे, नाउन मानेंगे। तो अगर आप लोगों से एक सेंटेंस बोल दिया जाए, सिंपल सा, छोटी छोटी बातें समझिएगा, माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज अ डॉक्टर। अब इस सेंटेंस को आप जरा आराम से देखें। देखिए, एक तो हमें पजेसिव एडजेक्टिव मिला माय, तो माय के बाद जो वर्ड लग रहा है, पजेसिव के बाद यूज होने वाला जो भी वर्ड होगा, हमेशा कंसीडर क्या करना है, नाउन। सेकंड, दूसरी बात समझनी है, अपने को मिल रहा है आर्टिकल ए, आर्टिकल ए के बाद जो भी वर्ड आप लगा रहे हैं वो हमेशा क्या होगा, नाउन। सो इन द गिवन सेंटेंस वी हैव टू नाउन्स। ओके गाइस, तो नाउन को बेसिकली पहचानने का कुछ आइडिया लगा,
कि कैसे नाउन को हम लोगों को पहचानना है, तो कोई भी वर्ड जो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, किसी का नेम है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, किसी का नेम है, आर्टिकल के जस्ट बाद लग रहा है, तो भी क्या है। दूसरा पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव अगर मिल रहे हैं इनके बाद में लगाया गया वर्ड भी क्या होता है, नाउन होता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो दोस्तों जल्दी से फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पॉइंट। एक पॉइंट हो गया अपना नाउन को कैसे पहचाने, अब हम सीखने वाले हैं नाउन के बाद प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, वन बाय वन चलेंगे और आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है और अच्छे से नोट्स बनाइएगा क्योंकि एक बार अच्छे से नोट्स बन जाए फिर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ग्रामर की क्लासेस को हम अलग रखेंगे एंड वोकैब की क्लासेस को अलग रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला वर्ड है अपना प्रोनाउन, ठीक है जी। प्रोनाउन को जनरली हम हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। ओके, तो सर्वनाम क्या होता है, प्रोनाउन का मतलब ये होता है अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी कि आप नाउन के प्लेस पर, इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर जिस वर्ड को आप यूज कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। इन प्लेस ऑफ बोल दीजिए आप, या बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन, अगर ये भी नहीं बोल रहा बोलना है आप लोगों को तो फिर बोलना है इन लिव ऑफ नाउन। इन लिव ऑफ का मतलब भी होता है के स्थान पर। तो आप तीनों की डेफिनेशन मिल सकती है, अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इंस्टेड ऑफ नाउन या इन लिव ऑफ नाउन, तो अब इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इन लिव ऑफ का मतलब भी क्या होता है, के स्थान पर। ओके, तो कोई भी ऐसा वर्ड, अब देखिए आप लोगों को अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से बनाते हैं, वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर आप क्या लगाते हैं, वर्ब, और फिर क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, राइट। तो जो सब्जेक्टिव केस होता है किसी भी सेंटेंस का, जो सब्जेक्टिव केस है वो या तो नाउन होगा, अगर वो नाउन नहीं है तो फिर प्रोनाउन होगा, वी हैव टू ऑप्शंस। सेम पैटर्न ऑब्जेक्टिव केस में, या तो सब्जेक्ट होगा, सॉरी, या तो नाउन होगा, और अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन होगा, दो में से एक मिलने वाला है। तो अगर वो नेम है किसी का तो भाई सब नाउन हो गया, और अगर वो नेम नहीं है, नो नेम, तो क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। सेम पैटर्न पे वर्ब के बाद लगने वाला जो वर्ड है वो क्या बन रहा है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में अगर किसी का नेम है तो ये नाउन है, और नेम नहीं है यानी कि नो नेम, तो क्या बोलेंगे उसे, प्रोनाउन। सिंपल भाषा में समझ जाइए भाई कि वर्ब से पहले आने वाला कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी का नाम नहीं है तो बचेगा कौन, प्रोनाउन। अब सिंपल समझना, जरा देख लेते हैं एक बार। जैसे मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूं, ही इज अ डॉक्टर। अब इस सेंटेंस में अगर हम चेक करें, ही हमारा वर्ब है, वर्ब से पहले आया है ही। अब देखो ही तो किसी में आसपास में अपने नाम नहीं सुना होगा, तो जब नेम नहीं है दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, और आर्टिकल के बाद, अभी क्या सीखा था, आर्टिकल के बाद आने वाला वर्ड क्या है, नाउन है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, आई मेरा नाम नहीं है, ये हमारा क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया, और हिम भी हमारा किसी का नाम नहीं है तो भी क्या बन गया, ये प्रोनाउन बन गया। ओके, तो आपको बिल्कुल सिंपल समझना है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो वर्ब से पहले आ रहा है, या तो वो नाउन है या वो प्रोनाउन है, अगर नेम है तो नाउन है, और नेम नहीं है तो प्रोनाउन बन जाएगा। इज इट क्लियर भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी समस्या हो तो तुरंत मेरे कॉन्टैक्ट पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए कि सर ये हमारे समझ में नहीं आया, आपको मैं दोबारा समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है।
कोई जल्दबाजी में नहीं सीखना है, सीखेंगे ऐसा सीखेंगे एक बार सीख गए दोबारा पढ़ने की जरूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए कभी। ओके नेक्स्ट, अब देखो समझना, वर्ब से ठीक पहले आने वाला कोई भी वर्ड क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में कौन कौन, या तो नाउन या नाउन। तो देखो अब समझना सिंपल, वर्ब से पहले ये वाली बात फाइनल कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, इस सेंटेंस को अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये जो स्टार्ट करने वाला वर्ड है ये नाउन या प्रोनाउन है, तो सिंपली आप बस ये समझना इस वर्ब, वर्ब से पहले आने वाला वर्ड कोई भी होगा या तो नाउन या प्रोनाउन, अगर वो नेम नहीं है तो वो 100% क्या बन गया, प्रोनाउन। इफ आई से ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अभी पॉसिबल के बारे में मत सोचो कि पॉसिबल क्या है, ये डिस्कस करेंगे क्योंकि पॉसिबल एक एडजेक्टिव बन रहा है क्योंकि एवरीथिंग के लिए यूज हो रहा है, वो आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझिए कि इससे पहले आने वाला वर्ड कौन है, ऑल, ऑल किसी का नेम नहीं है तो 100% ये क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं नीड ऑफ वॉज देयर, वहां कोई भी नहीं था, तो आप समझिए नीदर वॉज देयर में अगर नीदर के बारे में हम पूछें क्राइटेरिया कि भाई नीदर नाउन है या प्रोनाउन है, तो डैम श्योर है कि भाई प्रोनाउन जाएगा क्योंकि किसी का नाम नहीं है। इफ आई से दिस इज माय बुक, दिस इज माय बुक, तो इज क्या है अपना वर्ब है और वर्ब से पहले आने वाला वर्ड या तो नाउन या प्रोनाउन, तो दिस क्या बन गया, प्रोनाउन। और अगर हम ये पूछे कि भाई बुक क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर माय तो पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल के बाद अगर कोई वर्ड लग रहा है तो वो क्या बनेगा आपका, नाउन। ओके अगर हम ये बोल देते हैं दीज आर योर बुक्स, ये आपकी किताब है, तो इस केस में वर्ब से पहले आ रहा है कौन, दीज, और दीज हमारा नाम नहीं है, नाम नहीं है तो बेटा प्रोनाउन है, और आगे समझो योर बन क्या बन चुका है, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाला कोई भी वर्ड हमेशा क्या बनेगा, नाउन। तो इतनी बात क्लियर है गाइस, एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट आप ले सकते हैं या तो नाउन को या प्रोनाउन को। इसके अपार्ट फ्रॉम जब हम सब्जेक्ट फॉर्म एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट इसके अलावा भी बनते हैं, जैसे जेरंड सब्जेक्ट बन जाता है, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बन जाता है, देयर सब्जेक्ट बन जाता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन सब्जेक्ट बन जाता है, नाउन बन जाता है, प्रोनाउन बन जाता है, वो सब आगे की बातें हैं। फिलहाल हम इतना ही समझ रहे हैं कि छोटी छोटी बात है, तो इतनी बात समझ में आई, वर्ब से पहले यूज होने वाला जो वर्ड है वो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट में या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, राइट। तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और भैया लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, सेशन को आगे बढ़ाएं, जहां जहां जितने भी टेलीग्राम्स में आप लोगों के ग्रुप्स हैं उन सभी को भेजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, बेनिफिट होना चाहिए भाई सबका, सबका बेनिफिट होना चाहिए। ओके आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं, अब तीसरी चीज पे देखते हैं। तो तीसरा अपना जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसे बोलते हैं हम एडजेक्टिव। देखिए मेरा मानना यह है कि शुरुआत किसी भी चीज, कोई भी काम किसी भी चीज की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो हमेशा छोटे से हो, देखिए नेक्स्ट वर्ड अपना पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, हिंदी में बोलते हैं इसे हम विशेषण। अगर एडजेक्टिव की आप लोग बात करते हैं तो एडजेक्टिव में कोई आपसे सिंपली ये पूछे कि इस पूरे वर्ड में हम कौन सा वर्ड है, कौन सा लेटर है जिसको हम साइलेंट कर सकते हैं, तो वो साइलेंट होता है डी, इसे एडजेक्टिव नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ओके तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, जो मन में आए वो बोलिए, बस चिंता मत करो, आपको कहीं पे दिखाना नहीं है, लेकिन हाँ कई बार ये क्वेश्चन रीड में बन जाता है, केवीएस वगैरह में पूछ सकता है कि ए डी जे ई चार में से कौन सा वर्ड साइलेंट है, कौन सा वर्ड, सॉरी कौन सा लेटर म्यूट है, नॉट वर्ड, तो आपको किसको लगाना है, डी को, क्योंकि हम क्या बोलते हैं इसे एग्जेक्टिव। आइए
अब देखो क्या होता है, एग्जेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन को हम थोड़ा सा पहचान चुके, नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी यानी कि विशेषता, विशेषता बताने वाला जो वर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव। ये हमारा बन जाता है एडजेक्टिव। सबसे पहली बात ये है, सुने। अब विशेषता का मतलब आप ये मत समझिए कि केवल खूबी की बात चल रही है, विशेषता में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरी बात ये समझिए, जैसे मैं आप लोगों को एक, ये तो हो गया अपना पहला तरीका फर्स्ट। अब आपको यह समझना है कि नाउन प्रोनाउन के बारे में, नाउन प्रोनाउन के लिए लगाया गया जो वर्ड होता है वो हमारा कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है। सिंपल व्यू में मैंने आपसे ये बोला कि आई एम लेजी, मैं लेजी हूं, तो जो आई वर्ड है वर्ब से पहले आ रहा है, तो ये अपना सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट हुआ बेटा, तो ये दो ही चीज हुआ, या तो ये बना नाउन या क्या बन गया प्रोनाउन, दो में से एक है। ओके, अब हमें पता है नेम तो है नहीं किसी का, तो इसका मतलब है प्रोनाउन बन रहा है। अगर मैं ये बोलूं कि बेटा लेजी वर्ड किसकी विशेषता है, तो आप बोलोगे आई की, राइट। जब आई की विशेषता है तो आई के लिए यूज हो रहा है लेजी, तो लेजी क्या बन गया बेटा, एडजेक्टिव। ओके, अब जैसे मैंने बोला आई एम ऑनेस्ट, मैंने बोला आई एम इंटेलिजेंट, मैंने बोला आई एम डल, तो जो भी वर्ड हम लगा रहे हैं सभी हम आई के लिए लगा रहे हैं। इसी तरह से आई के प्लेस पे कोई नेम दे दो, है ना। कोई नेम मैंने इसलिए नहीं दिया कि भाई किसी का नाम लो और वो नाम हुआ और मैंने लिख दिया डल है, लेजी है, कहीं बुराना बन जाए कोई ना भाई, पर्सनली ले जाए। तो इस केस में आपको ये देखना है कि कोई भी नाउन एंड प्रोनाउन के लगने वाला जो वर्ड है वो क्या बनेगा, आपका एडजेक्टिव होगा। जैसे मैंने बोला कि I have a new book. I have a new book. अब इस सेंटेंस को जरा चेक करिए, देखिए इस सेंटेंस में हम लोगों ने, अगर मैं न्यू को हटा दूं, न्यू को हटा दूं इसको, तो हमारे पास क्या बचेगा, I have a book. तो आर्टिकल के बाद जो वर्ड लग रहा है वो तो ये तो बन गया होगा नाउन, और नाउन के लिए जो लग रहा है वो बन जाएगा एडजेक्टिव। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आर्टिकल के बाद अगर कोई दो वर्ड लग रहे हैं, अगर जो मिड वाला वर्ड है वो नाउन के लिए लग रहा है, तो ये वाला वर्ड क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा सिंपली। क्योंकि देखो अ तो लग गया, अगर मैं न्यू को हटा दूं तो भी सेंटेंस कंप्लीट है, आई हैव बुक। अगर मैंने बोला आई हैव अ बुक, आर्टिकल के बाद में लगने वाला वर्ड नाउन बन गया, जब ये नाउन बन गया तो नाउन के लिए लगाया गया है न्यू। अगर मैं पूछूं आपसे कि न्यू सेंटेंस में किसको दिखा रहा है, न्यू कौन है, आई है न्यू, हैव है न्यू या बुक है न्यू, तो आप क्या बोलोगे, बुक है सर न्यू। जब न्यू बुक है तो न्यू बना अपना क्या, एडजेक्टिव, क्योंकि न्यू बन गई विशेषता इसकी। तो आर्टिकल के बाद अगर दो शब्द हम लगा रहे हैं तो एक बन जाएगा एडजेक्टिव और दूसरा क्या बनता है, नाउन। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं She is a good girl. तो देखिए, अगर मैं गुड को यहां हाइड, थोड़ा हाइड कर दूं, छिपा दूं, तो शी इज अ गर्ल, तो अ गर्ल ये अपना क्या बन चुका है, नाउन। और गर्ल की क्वालिटी क्या है, कि वो गुड है, तो गुड क्या बन गया अपना बेटा, एडजेक्टिव बन गया। यानी कि आर्टिकल के बाद अगर हम दो वर्ड लगा रहे हैं और एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के लिए लग रहा है, वो हमेशा क्या बनेगा, एडजेक्टिव। यानी कि नाउन एंड प्रोनाउन इन दोनों के लिए लगाए गए जो वर्ड होते हैं वो हमेशा क्या माने जाते हैं, एडजेक्टिव। पहली बात क्लियर, यहां तक मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। ओके, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे व्हाट्सअप करिए पर्सनली, मेरा नंबर लगभग सभी के पास होगा, नहीं है तो देख लेना यूट्यूब पे है। नेक्स्ट देखो नंबर सेकेंड पे अगर हम चुने, तो नंबर सेकेंड इनके अलावा भी एडजेक्टिव हो सकते हैं क्वालिटी के अलावा। तो फिर सेकेंड हम कैसे समझेंगे, टू एड समथिंग, STH शॉर्ट फॉर्म होता है समथिंग का, टू एड समथिंग बिफोर नाउन
बिफोर नाउ, या हम ये मान लें टू गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर हम दे दें तो वो वर्ड भी हमारा नाउन बन जाएगा, सॉरी नाउन के बारे में अगर हम कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो वर्ड भी हमारा एडजेक्टिव बनेगा। तो अब देखो दो बातें क्लियर, इट मींस ये समझेंगे नाउन से पहले, ध्यान देना नाउन से ठीक पहले आने वाला जो वर्ड है ये अपना एडजेक्टिव हो सकता है, बशर्ते कि ये कोई आर्टिकल ना हो। क्या ना हो? आर्टिकल, क्योंकि भाई नाउन से पहले दो चीजें आ सकती हैं, या तो आर्टिकल होगा, आर्टिकल केवल तीन है ए एंड द, इन तीन को छोड़ दिया जाए अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री कोई भी वर्ड जो नाउन में कुछ एडिशनल कुछ ऐड कर रहा है 100% वो एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा। जैसे देखिए अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं, मैंने बोला दिस बुक, बुक हमारा नाउन है ओके, क्योंकि एक चीज का नाम है बुक, तो बुक से पहले मैंने लगाया दिस और दिस जो लगाया वो बुक के लिए लगाया, तो कोई भी वर्ड जो नाउन के लिए लग गया है वो हमेशा क्या बन जाएगा? एक एडजेक्टिव बन जाएगा। अब जैसे मैं आपसे ये बोलूं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो ऑल हमारा पर नाउन है क्योंकि ये नेम नहीं है किसी का और इसके लिए लगा है वेल, तो वेल अपना क्या बन जाएगा बेटा? एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल ओके, नथिंग इज इम्पॉसिबल में नथिंग तो अपना प्रनाउन है क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है, तो ये बन गया बेटा प्रनाउन, और इसके बाद लगाने वाला जो भी वर्ड है ये नथिंग के लिए लग रहा है इम्पॉसिबल, तो ये बन जाएगा अपना एडजेक्टिव ओके। यहां तक बात समझ गए भाई? तो देखो कोई भी वर्ड जो आप किसके लिए लगा रहे हैं? नाउन के लिए, कुछ एक्स्ट्रा नाउन में अगर आप ऐड कर देंगे तो वो डैम श्योर अपना क्या बनेगा? एक एडजेक्टिव बन जाता है ओके। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट और कुछ और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। सी गाइस, जितनी देर में मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ उतनी देर में भाई लाइक वगैरह कर दिया करो, शेयर करते रहो अपने दोस्तों को, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो एक बार। और कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आप लोगों को कहीं समझ नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप करें अपने क्वेश्चंस को, किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे भेजें, जहां से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इंग्लिश को लेकर। नेक्स्ट देखिए, तो अ वर्ड विच इज यूज्ड टू गिव एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। अब सेकंड देखो, इसके अलावा जैसे अगर आप लोगों से ये बोल दिया जाए What time will you meet? Question mark. अब इस सेंटेंस में अगर दोस्तों ध्यान से देखे हम तो टाइम अपना बेटा नाउन है, समय, और जब ये नाउन बन चुका है तो इससे पहले लगने वाला वर्ड क्या है? What? तो ये क्या बन गया अपना? जैसे अब जैसे मैं आपसे ये बोलूं इंडियन कल्चर, कल्चर अपना नाउन ओके, और ये क्या बन जाएगा? जैकेट। अब ये कौन सा नाउन है ये डिस्कशन करेंगे जब नाउन पढ़ूंगा मैं आप लोगों को ओके, टाइम कौन सा नाउन है, कल्चर कौन सा नाउन है, ये सब डिस्कस बात की बात है। नेक्स्ट देखिए अगला समझना, अगर हम लोग कोई भी वर्ड किसी चीज में कुछ ऐड कर रहे हैं किसी नाउन में तो वो हमेशा एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जैसे बोला जाए दीज बुक्स, तो अपना दीज क्या बन गया? ये एडजेक्टिव बन गया, ये नाउन बन गया। अगर मैं आपसे ये बोलूं मैनी पीपल, पीपल इज अ नाउन एंड मैनी इज एन एडजेक्टिव।
हाँ जी, तो आई होप यहाँ तक बात भाई समझ गए होंगे आप सब। तो कोई भी चीज या तो नाउन की क्वालिटी बताए, नाउन की विशेषता बताए, और नाउन की विशेषता नहीं बता रही तो नाउन में कुछ ऐड कर लिया, ये भी हमारा क्या बन जाता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। राइट, चलो भाई अब आते हैं अगले पॉइंट पर। तो तीन चीजें हम लोगों ने सीखी, नाउन के प्लेस पर यूज करेंगे प्रोनाउन, और नाउन एंड प्रोनाउन दोनों के लिए यूज करना है तो वर्ड होगा वो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में डी को साइलेंट रखिए। तो अगली चीज सीखते हैं दोस्तों, तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक्स हो चुके हैं, अब ये बस सोचना कि नाउन और प्रोनाउन एडजेक्टिव कंप्लीट हो गए। जब नाउन चलेगा तो कम से कम 27 क्लासेस होंगी, क्योंकि नाउन को इतने हल्के में मत लेना अभी। आइए नेक्स्ट, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, इसके बाद हम लोग सीखते हैं वर्ब। देखिए जी, वर्ब क्या होता है, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब के बारे में जब बात करें तो वर्ब हमें तीन चीजों को दिखाता है। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का एक्शन, एक वर्ब होता है। सेकंड, वर्ब बताता है किसी भी चीज की स्टेट को, अवस्था। अवस्था के अलावा वर्ब हम लोगों को बताता है पजेशन को, यानी कि आपके अधिकार को। और स्टेट क्या होता है, अवस्था, और एक्शन मींस कार्य। किसी भी सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन और प्रोनाउन, जनरली नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट मानते हैं। अब जैसे मैं आपसे ये बोल रहा हूं, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मेरा जो काम है, मेरा जो एक्शन है वो क्या पता चल रहा है, टीच, पढ़ाना। ओके, तो ये मेरा एक्शन है। तो जब हम किसी एक्शन की बात करते हैं तो वो क्या बन जाता है अपना, वर्ब। सेकंड, स्टेट, स्टेट बताते हैं अवस्था की, कोई व्यक्ति की किस अवस्था में वो चल रहा है। जैसे मैंने आपसे ये बोला, यू आर स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपकी अवस्था को बता रहा है कि आपकी अवस्था इस समय क्या चल रही है, स्टूडेंट की। तो ये बता देगा अपना स्टेट को। ओके, तीसरी चीज आती है पजेशन। जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, तो जो हैव है, हुआ, हैड हुआ, हैज हुआ, ये सब हमारी किसको दिखा रहा है, अधिकार को। इसका मतलब है मेरे पास, यानी कि मेरे पास एक बुक है, आपका अधिकार है उस पर। तो हम वर्ब के थ्रू तीन चीजों को बताते हैं, बेसिकली किसको, या तो एक्शन को बताते हैं, एक्शन नहीं बता रहे तो स्टेट को, और स्टेट नहीं बता रहे तो पजेशन को। अब देखिए, वर्ब को अलग अलग जगहों पे बांटा गया है। अगर हम वर्ब का डिवीजन देखें तो डिवीजन में एक आते हैं जिन्हें बोलेंगे आप फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स सबसे पहले वो वर्ब आते हैं जो कभी चेंज नहीं, जो चेंज होते हैं अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट। तो इसका मतलब दे विल चेंजेबल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस, टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब बदल जाए, चेंज हो जाए, उनको हम बोलते हैं फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब्स में सबसे पहले रखा गया है हेल्पिंग वर्ब्स को, किसको, हेल्पिंग वर्ब्स। अब जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब्स में जब पढ़ते हैं, जैसे टू बी होता है ना, टू डू होते हैं वर्ब्स, टू हैव होती हैं, तो टू बी में इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीन, इनको रखा गया। टू डू में रखा गया है डू, डिड, ओके, और डू डज, डिड को। तीसरा, टू हैव वर्ब साइड, हेल्पिंग वर्ब में टू हैव में रखा गया हैज, हैव और हैड। ओके, किस किस को रखा गया, हैज, हैव और हैड। ओके,
नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में एक बेसिक चीज और समझिएगा, अगर अपने पास में वन सेंटेंस है, एक सेंटेंस, अगर एक सेंटेंस में एक ही वर्ब मिल रहा है, राइट, एक सेंटेंस में अगर आपको एक ही वर्ब गिवन है तो वो हमेशा मेन वर्ब कंसीडर होगा। क्या बनता है? मेन वर्ब। अब देखिए इस बात को ऐसे समझिए, मान के चलिए एक घर में एक ही मेंबर बचा हुआ है, बाकी सब लोग मार्केट वगैरह कहीं घूमने गए हैं, तो बताइए क्या वो घर का मुखिया नहीं बना जाएगा? चीफ हो गया वो, चाहे उसके पास कोई पावर हो या ना हो, लेकिन उस समय के लिए तो वो चीफ है। तो अगर एक सेंटेंस में एक ही वर्ब गिवन है तो उसे कौन सा मानना है? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कंसिडर किए जा सकते हैं। जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। इस सेंटेंस में मैंने देखा कि मेरे पास एक ही वर्ब चल रहा है, तो भाई देखो हैव तो हेल्पिंग वर्ब भी है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि हैव हेल्पिंग है या मेन है। अब देखो सेंटेंस एक है, एक सेंटेंस में वर्ब कितने मिल रहे हैं? एक वर्ब, वो कौन सा है? हैव। तो हैव को क्या मानेंगे? मेन वर्ब। और अगर एक ही सेंटेंस में दो वर्ब चले जाएं तो एक हेल्पिंग बनेगा और एक मेन बनेगा। एक सेंटेंस में अगर दो वर्ब्स हैं, टू वर्ब्स आर गिवन, देन द फर्स्ट वन इज हेल्पिंग एंड सेकंड वन मेन वर्ब। सी द एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये बोलूं आई हैव सोल्ड माई बाइक, आई हैव सोल्ड माई बाइक, तो देखो एक वर्ड होता है सेल, सेल का सेकेंड फॉर्म सोल्ड, थर्ड फॉर्म सोल्ड, और आपने सुना होगा कि हैज और हैव हैड, इन सबके संग में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो एक तो ये वर्ब हो गया और एक ये वर्ब हो गया, तो पहला वाला बेटा क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब। दूसरा वाला क्या बनेगा? मेन वर्ब। तो अगर सेंटेंस में दो चल रही है, दो वर्ब चल रही है, तो एक हेल्पिंग दूसरा मेन बनेगा। तीन चल रही हो, ध्यान देना, अगर तीन वर्ब भी चल रही हो तो एक अपना दो हेल्पिंग बनेंगे उसमें और एक मेन होगा। जैसे अगर हम ये बोले She has been working since morning. In the given sentence, we have two helping verbs, has and been. Both will be considered as helping and helping. And the last one is main verb. दो हेल्पिंग वर्ब। एक सेंटेंस में अगर तीन वर्ब चल रही है, देखो एक चल रहा है तो मेन है, दो चल रही है तो एक हेल्पिंग एक मेन है, तीन चल रही है तो दो हेल्पिंग एक मेन है, राइट? चलिए तो भाई साहब एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और जब तक मैं इसे क्लीन करूं शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। एप्लीकेशन पे क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, एप्लीकेशन का ऑलमोस्ट 90% वर्क हो चुका है काम, और कुछ थोड़ा सा बाकी है, तो होप सो कि विद इन 2 or 3 days आपकी क्लासेस सेपरेट हो जाएंगी, फिर यूट्यूब पे सेशंस कम हो जाएंगे। तो जितने भी एडमिशन्स हुए हैं वो स्टूडेंट टेंशन ना लें, और दोस्तों अगर चीजें समझ में आ रही है तो बिलीव करिए इससे बेहतर आप लोगों को कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, एक एक चीज को आपको सिखा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। और केवल मात्र 199 रुपये में पूरा बैच है, ओके, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है आप लोगों का, अगर एक CCD में भी आप चले जाएं कॉफ़ी पीने तो भी उससे ज़्यादा महंगी होती है, एक अच्छा सा बर्गर आप रेडी पे खाओगे तो भैया वो तो 20-30 में मिल जाएगा, लेकिन अगर रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, ओके? तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो एक बार, और आराम से सीखिए।
इस बैच में टोटल ग्रामर है, वोकैब सेशन होंगे, लगभग 5000 वोकैब्स आप लोगों को कराऊंगा मैं। और इसके अपार्ट फ्रॉम रीडिंग स्किल्स, उससे रिलेटेड पीडीएफ्स, क्लोज टेस्ट, मॉक टेस्ट सभी कुछ होगा, ओनली एट 199। देखिए नॉलेज का वैसे कोई मूल नहीं है, फी कितनी भी रख लो, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। ऑलरेडी लोग इतने परेशान हैं पैसे की वजह से, तो फी आप लोगों की मिनिमम रहेगी, एफर्ट 100% से 1000% चलेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट में सबसे पहले कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो है जो बदल जाए, जो हम बात कर रहे थे। तो देखो कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं, जैसे आपसे ये बोला कि शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इस सेंटेंस में आपने इज लगाया है, किसके अकॉर्डिंग? शी के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसी सेंटेंस को ये बोल दूं आई एम टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, इस सेंटेंस में आई के अकॉर्डिंग में क्या लगा रहा हूं? एम। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को चेंज कर रहे हैं। ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए उन सब को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब्स। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना हो, टेंस के अकॉर्डिंग हो जाए। जैसे मैंने आपसे बोला कि आई कैन टीच यू, मैंने कह लगाया। अगर मैं आपसे ये बोल दूं आई कुड टीच यू, तो मैंने यहां पास्ट कर दिया इसको। तो आप किसी भी सेंटेंस को जब किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग भी बदल दें, कि किसी वर्ब को जब टेंस के अकॉर्डिंग बदल दिया जाए तो उसको भी हम क्या बोलते हैं फिर? ओके, फाइनाइट वर्ब। यानी कि फाइनाइट वर्ब आपके वो वर्ब होते हैं जो या तो सब्जेक्ट से बदले। अब देखो यहां मैंने सब्जेक्ट से नहीं बदला, सब्जेक्ट दोनों सेम रखे हैं, लेकिन यहां टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बन गया आपका प्रेजेंट और ये बन गया कैन का पास्ट कुड। तो या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दीजिए आप, या किसके अकॉर्डिंग बदल दें, सॉरी टेंस के अकॉर्डिंग बदल दो या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दो, दोनों के अकॉर्डिंग अगर कोई वर्ब बदल रहा है तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, उसको वर्ब को क्या बोलेंगे? फाइनाइट। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आई मीट हिम एवरी डे। सेकंड मैंने आपसे बोला आई मैट हिम यस्टरडे। ओके, सो इन बोथ ऑफ द सेंटेंस मीट इज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड मैट वर्ब सेकंड फॉर्म। ओके राइट, तो ये बन गया अपना पास्ट एंड दिस इज प्रेजेंट। तो कि आपने सब्जेक्ट दोनों सेम रखे, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग आप बदल रहे हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं बदल रहे। तो मीट या मैट ये कौन से वर्ब हो गए अपने? फाइनाइट वर्ब। होप सो यहां पर बात में समझ में आ गई होगी। सेकंड, तो पहले हेल्पिंग और दूसरा आते हैं मेन वर्ब पर, समझते रहिएगा। अब देखिए मेन वर्ब को हम लैक्सिकल भी बोलते हैं, जब ये वर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इनके अलग अलग जो नेम्स होते हैं वो सब बताए जाएंगे। इसी को हम लैक्सिकल भी बोल देते हैं मेन वर्ब को, ओके प्रिंसिपल बोल सकते हैं। तो मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब ये दिखाती है अपना एक्शन। क्या दिखाती है? एक्शन। यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो भी उसका कार्य होता है, सुबह से लेकर देखो शाम तक जो भी इंसान कर रहा है, जैसे खाना पीना खेलना कूदना पढ़ना लिखना ना पढ़ाना, जो भी हम काम करते हैं वो सारे हमारे एक्शंस मेन वर्ब में कंसीडर किए जाएंगे। तो किसी भी मेन वर्ब के अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई कितने फॉर्म्स होते हैं, तो जनरली 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 फॉर्म्स किसी भी मेन वर्ब के। तो जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं ईट, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, एंड नेक्स्ट वन इज eating, और अगला बन जाएगा eats। इस तरीके से
पांच फॉर्म आप किसी भी वर्ड के बना सकते हो, यानी कि मेन वर्ब के, सच एज गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड द लास्ट वन इज गोज। तो किसी भी वर्ब के कितने फॉर्म बन सकते हैं? पांच। जो फर्स्ट फॉर्म होता है इट इज ऑलवेज कंसीडर एज अ प्लूरल वर्ब, प्लूरल फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, किसी भी वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा आप उसे क्या मानेंगे? प्लूरल। दूसरा, अगर फर्स्ट फॉर्म को आप क्या मान रहे हैं? प्लूरल मान रहे हैं, तो जो एस और ईएस जिसमें लगा है दैट विल बी कंसीडर सिंगुलर। क्या मानेंगे? उसको आपको सिंगुलर वर्ब मानकर चलना है। ओके? तो किसी भी मेन वर्ब के, खाना पीना, सोना उठना, जागना, खेलना कूदना, जो भी हमारा काम है, सारे काम हमारे क्या इसमें आएंगे? मेन वर्ब। ओके गाइस, होप सो यहां तक बात भाई समझ गए होंगे, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। चलिए, नहीं आए तो टेंशन मत लेना, क्योंकि टेंशन लेने से समझ में नहीं आती, एफर्ट्स करने समझ में आती है। एक बार वीडियो को और देखना, पॉज करना, रोकना जो मन में आए। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग बस वैसे ही मन लगा के पढ़ते रहो, और एनबीएस तक जो के बीएस है तब तक आपका सिलेबस हो जाएगा, और सीएचएसएल और सीजीएल के लिए जैसे ही ऐप लॉन्च हो जाए उसके लिए सेपरेट बैच बनेंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर बैंकिंग क्लेरिकल और पीओ, वी विल ऑल्सो प्रोवाइड सच कोर्सेज। नेक्स्ट देखिए, देखो हर चीज का ना रूट पता होना चाहिए आपको, कि कोई भी चीज ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो आपको बेसिक्स इसलिए कराए जा रहे हैं सबसे पहले कि आप छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं, आप 10th से 12th में आ जाते हैं लेकिन कभी सोचते भी नहीं है कि यार ये नाउन होगा, ये प्रोनाउन होगा, ये एडजेक्टिव होगा। हम अलॉट ऑफ वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली हम लोग वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम कभी कंसिडर करते ही नहीं है कि यार ये वर्ड एक्चुअली है क्या, उसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन एक वर्ड के बहुत सारे फंक्शन हो जाते हैं, उसी तरह से आप लोगों को चीजों को धीरे धीरे समझना है। नेक्स्ट, हाँ जी, तो एक हो गया अपना हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हो गया अपना मेन वर्ब, तीसरे आते हैं जिन्हें बोलते हैं हम मॉडल वर्ब्स। देखिए मॉडल वर्ब्स ये बताते हैं मोड ऑफ एक्शन को, मोड ऑफ एक्शन, यानी कि किसी व्यक्ति का, ये मान लो किसी व्यक्ति का मूड कैसा है। देखो कभी कोई व्यक्ति रिक्वेस्ट करता है तो कभी वही व्यक्ति, सेम व्यक्ति रिक्वेस्ट भी करता है, ऑर्डर भी करता है, एडवाइस भी देता है। तो जब इंसान का मूड अलग अलग स्विंग हो रहा है तो समझ जाना कि मूड आप मॉडल वर्ब का यूज कर रहे हैं। मॉडल वर्ब का जब हम यूज करते हैं तो जो बेसिक मॉडल वर्ब्स हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? जैसे कैन, कुड, मेड, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, जो भी है, जितने भी हैं उन सब को हम लोग बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो मे, माइट, शैल, शुड, कैन, वो कैन हो गए, ओके, मस्ट और टू, विल, वुड, देवरा, इन सब को हम बोलते हैं प्योर मॉडल वर्ब्स, प्योर मॉडल वर्ब्स। इसके अपार्ट फ्रॉम कुछ वर्ब्स और हैं जैसे नीड, डेयर एंड यूज्ड टू, दे आर कंसिडर्ड एज इम्प्योर, इनको हम बोलते हैं इम्प्योर। इम्प्योर इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दो फंक्शन कर रहे होते हैं, ये डेयर एंड नीड एज अ हेल्पिंग वर्ब भी बन जाते हैं, एज अ मेन वर्ब भी बन जाते हैं,
यूज टू एज अ मॉडल वर्ब भी बन जाता है और एज एन एडजेक्टिव भी वर्क करता है कुछ सेंटेंसेस में, स्ट्रक्चर बताई जाएगी। इम्प्योर मॉडल बोले जाते हैं, इन्हीं को आप सेमी मॉडल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेमी मॉडल वर्ब्स। तो ये होते हैं अपने मॉडल वर्ब्स। किसी भी मॉडल वर्ब की दो बेसिक बातें समझिए। मॉडल वर्ब के बाद लगाया गया जो वर्ड है, ओके, जो भी हम इसके बाद वर्ड लगा रहे हैं वो डैम श्योर हमारा वर्ब होगा। और वर्ब का भी कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद जब आप कोई वर्ड लगाते हैं तो वो हमेशा वर्ब होगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? फर्स्ट फॉर्म। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लगाकर आना है। या कोई आपसे ये पूछे, अंडरलाइन करके एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि ही मस्ट एवेंज हिज ब्रदर, ही मस्ट एवेंज हिज ब्रदर, आपसे क्या करेगा एग्जाम्पल, इसको अंडरलाइन करेगा और आपसे कहेगा बताइए जो एवेंज वर्ड है ये एक नाउन है, इट्स अ प्रोनाउन, इट्स एन एडजेक्टिव और इट्स अ वर्ब, ये पूछेगा। तो सिंपल बात समझ जाइए कि आप लोगों से पूछ दे तो मस्ट एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद यूज होने वाला जो वर्ड है वो हमेशा क्या होगा? एक वर्ब होगा। तो आंसर क्या जाएगा? वर्ब। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी देखो दोस्तों, गलत होने में कुछ नहीं होता, क्योंकि डूबते वही हैं जो अच्छे तैराक होते हैं। जब आपको ये लगने लगता है ना यार ये अभी तो आता है भाई, ये तो समझ जाना कि आप डिक्लाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको, देखो आपको ये सोचना है कि यार मुझे ये आता है लेकिन हाँ मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए। एग्जाम हॉल से वो स्टूडेंट सबसे पहले कॉम्पिटिशन से बाहर होते हैं जिनके ईजी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। देखिए उसका रीजन समझो, इजी आपसे रॉन्ग हो गया, टफ आपको आता नहीं, तो बचा क्या भैया, होगा कि नहीं? तो आपको इजी क्वेश्चंस को भी साथ साथ लेकर चलना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपसे सिंपल। ओके, तो चलो भाई आप में से कौन कमेंट करेगा, फटाफट से जल्दी से कमेंट करो कि ब्रदर क्या है। ऑप्शंस: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। ओके, वेरी गुड, काफी सारे स्टूडेंट्स कम। बिल्कुल सही, क्योंकि ये पजेसिव है और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद लगने वाला जो भी वर्ड है वो हमेशा नाउन बनेगा। तो आंसर बनेगा अपना नाउन। तो यहां तक बात समझ में आई कि भाई जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स के बाद में लगने वाला कोई भी वर्ड हमेशा क्या माना जाता है? वर्ब। अब एक बात और समझते हैं, अगर किसी मॉडल वर्ब के साथ अगर हमें हैव मिल जाता है, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ अगर आप लोगों को हैव मिल रहा है तो बिल्कुल समझ जाइए कि मॉडल वर्ब के साथ हैव लगने पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वी थ्री। जैसे बोला जाए कि शी शुड हैव, she should have helped the poor, okay, she should have helped the poor। तो अब इस सेंटेंस में जैसे ही किसी मॉडल वर्ब के साथ, देखो चाहिए का, should का बेसिक मीनिंग है चाहिए, क्या भी लेंगे? चाहिए। जब किसी मॉडल वर्ब के साथ आप हैव लगा देते हैं तो ये बन जाता है उसका पास्ट, यानी कि चाहिए था। क्या बन जाएगा? चाहिए था। तो उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। अब देखो द लग रहा है आर्टिकल, और जब एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आप लगा देते हैं तो एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल बना देते हैं नाउन को, तो ये पुअर किस तरह से बन जाएगा? एज अ नाउन, राइट गाइस। तो मॉडल वर्ब के साथ आपको क्या अगर मिले, हैव मिले, तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। एक क्वेश्चन और, थर्ड आपके माइंड में ये होना चाहिए कि किसी भी मॉडल वर्ब के साथ, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ सब्जेक्ट कोई भी हो आप कभी भी हैज और हैड नहीं लगाएंगे। यू कांट चूज,
यू ऑलवेज यूज हैव, हमेशा क्या लगाएंगे हैव, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन, ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, शी माइट हैज कम हियर, इस तरीके से शी माइट हैज कम हियर। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई माइट वर्ड है, माइट के साथ में हमें क्या लगाना है, कम का थर्ड फॉर्म तो कम ही है, उसको कुछ मत करना, केम मत कर देना इसको, ये ऐसे ही रहेगा, कम केम कम। हैज को चेंज करना है आपको किसमें, हैव। ओके, हैज को किसमें करना है, हैव। सो गाइस यहां तक बात क्लियर मॉडल वर्ब्स के बारे में, तीन आइडिया, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएं, सेकंड अगर मॉडल वर्ब मिल रहा है और हैव मिल रहा है तो थर्ड फॉर्म लगाएं, तीसरा मॉडल वर्ब के साथ हम कभी भी हैज और हैड का यूज नहीं करेंगे, हमेशा क्या लगाएंगे। चलिए भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आइए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो बातें समझें, तीन सॉरी, एक तो हो गया अपना मॉडल वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। देखिए फाइनाइट के बाद इनमें और भी वर्ब्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिव वर्ब्स, वो डिटेल में हम तभी पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, अभी बस बेसिक सीख जाइए, वर्ब पूरा डिटेल में चैप्टर चलेगा वहां डिस्कस करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में है अगली बात। नेक्स्ट ये समझिएगा, अगली चीज हमें सीखना है नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच कांट चेंज अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट और टेंस। ये टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदली जाएंगी। ओके, दे आर नॉट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट एंड Tense. ये नहीं बदली जाए। अब देखिए जैसे एक परिवार में बच्चे होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो माँ बाप की बात मानते हैं और अपने अंदर चेंज ले आते हैं, जैसे मम्मी पापा ने कहा यहाँ बैठ जाओ वहीं बैठ गए, और कुछ इतने ढीट होते हैं कि अगर उन्हें डांट दो ना तो एक कॉर्नर में खड़े रहेंगे, वो हिलेंगे नहीं वहां से, चाहे आप कुछ भी कह लो। तो इसी तरह से आप मान लीजिए नॉन फाइनाइट, यानी कि जो फ्लेक्सिबल नहीं है, बिल्कुल बदलेंगे नहीं, जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो नॉन फाइनाइट में दोस्तों तीन तरह की वर्ब्स को रखा गया है, पहले एक बार सुनेंगे समझेंगे फिर देखेंगे। सबसे पहले इसमें रखा गया ज़ैरल को, दूसरा रखा गया इन्फिनिटिव को, और तीसरा रखा गया है पार्टिसिपल्स को। पहले इनके एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ज़ेरन का मींस, ज़ेरन को बेसिकली हम लोग वर्बल नाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन। ज़ेरन जो वर्ड है, इसको आपको ये समझना है कि ज़ेरन का मतलब आप वर्बल नाउन भी ऑप्शन में मिल जाता है कई बार कि बताइए इसमें से वर्बल नाउन क्या है, तो ज़ेरन इज इक्वल टू वर्बल नाउन। दूसरा, ज़ेरन का मीनिंग ये होता है आप सिंपली किसी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में ing लगाएं और उससे काम कराएं as a noun, okay? as a noun। अब इसके अलग अलग केसेस हो सकते हैं, तो as a subject हो सकता है, as an object हो सकता है ना, बहुत सारे केसेस होते हैं, after preposition लगता है ज़ेरन, तो बहुत सारे केसेस में लगता है। आप mainly आप ये समझिए as a noun। तो noun हमने कहां कहां सीखा था, दो जगह सीखा था, as a subject और as an object।
तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि स्मोकिंग इज या स्मोकिंग इज इंजीनियस टू हैव, तो देखिए इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है बेसिकली वो क्या बन रहा है, स्मोकिंग। स्मोकिंग अपना सब्जेक्ट बना, जब ये सब्जेक्ट बना तो इसको हम कंसीडर करेंगे, ये अपना एज अ नाउन कंसीडर होगा, और जब वर्ब में आई एन जी लगा के आप नाउन बना लो तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जेड, या फिर एज एन ऑब्जेक्ट लगा दो। अगर मैं इसी को ये बोल दूं ही इज एडिक्टेड, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो इस केस में ये ऑब्जेक्टिव केस बन रहा है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, जेड। अब देखो समझना, याद करिए वो बात, आर्टिकल के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है, नाउन, ओके। दूसरी बात, पजेसिव के बाद लगने वाला वर्ड नाउन। अगर मैं यही आप लोगों से ऐसे बोल दूं, क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा बस आपको चेंज कर दिया जाए, जैसे ये बोल दिया जाए माय फादर डज नॉट लाइक माय सिंगिंग, मेरे पिताजी को मेरा गाना पसंद नहीं है, तो अब इस केस में देखो मैंने यहां लगाया पजेसिव, माय यहां लगाया पजेसिव, ये वाला वर्ड बिल्कुल नाउन बन चुका है, ओके। अब पजेसिव के बाद आने वाला जो वर्ड है वो नाउन तो होगा ही होगा, जब ये नाउन होगा और वर्ब में आईएनजी लगा के नाउन बन जाए तो इसको हम क्या बोल देते हैं, जेन, ओके, और इसको क्या बोल देते हैं, वर्बल नाउन। अब आर्टिकल के बाद अगर इसी को मैं ये बोल दूं द सिंगिंग ऑफ माई फ्रेंड इज अमेजिंग, ओके, द सिंगिंग ऑफ माई फ्रेंड इज अमेजिंग। अब इस केस में आप समझिए, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको यह बताना है कि सिंगिंग क्या है, तो आर्टिकल के बाद क्या लग रहा है, ओके, आर्टिकल के बाद वर्ब में आई एन जी, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, जरन, और जैरन की वैल्यू इसके बराबर है नाउन के, फ्रेंड भी अपना क्या बन गया, नाउन बन चुका है, और अमेजिंग क्या बनेगा, हाँ जी वर्ब में आईएनजी यहां भी लगा हुआ है, जल्दी से बताओ कमेंट कराएं कि जो अमेजिंग वर्ड है वो नाउन है, वर्ब है, जैरन है, एडजेक्टिव है, चार ऑप्शन फटाफट से कमेंट करें। हाँ जी, तो कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के, चलिए भाई जो भी कमेंट्स आप कर रहे हैं बहुत अच्छा। तो देखिए भाई, जिन लोगों ने आंसर लगाया है एडजेक्टिव, उनका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि अमेजिंग गाइस ये क्वालिटी है, ये विशेषता है, क्या है, विशेषता, किसकी विशेषता है, फ्रेंड की विशेषता नहीं है दोस्तों, ये सिंगिंग की विशेषता है, सिंगिंग की विशेषता है अमेजिंग, दैट्स व्हाई अमेजिंग इज एन एडजेक्टिव। तो भाई वो सभी स्टूडेंट एकदम करेक्ट है जिन्होंने आंसर लगाया है एडजेक्टिव, और जिन्होंने जेरन या नाउन में से लगा दिया, घबराने की बात नहीं है, धीरे 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 आप समझ जाएंगे चीजों को पकड़ना, किस तरीके से आपको इन चीजों को समझना है। क्वेश्चंस को टैकल करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप लोगों के बेसिक्स जो है वो अच्छे हो जाए। देखिए वर्ब में आईएनजी यहां भी लगा हुआ है, आईएनजी का मतलब हमेशा आप ये मत समझिए कि वर्ब में आईएनजी वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है, और वो वर्ब भी हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, जल्दी से भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो भाई आगे समझते हैं, इसके आगे नेक्स्ट नेक्स्ट बोला जाता है इन्फिनिटिव। अब ये इन्फिनिटिव क्या बवाल है ये देखते हैं भाई।
कुछ लोग बोर्ड पे कमेंट कर रहे थे भाई करते रहो, मुझ पर फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस बच्चों को सिखाना है। पढ़ने वाले तो कैसे भी पढ़ लेते हैं, बट जिनको एक्सक्यूजेस चाहिए वो बस जीवन भर एक्सक्यूज में जीते हैं। ओके, तो मुझे उन स्टूडेंट्स से कोई मतलब नहीं है जो केवल फालतू के कमेंट्स करने आते हैं, आई डोंट केयर। मुझे केयर है केवल उन बच्चों की जो पढ़ना चाहते हैं वास्तव में, और भीड़ नहीं बढ़ानी। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, करना है तो करो, नहीं तो मत करो, एंजॉय करो बस, पढ़ाई को एंजॉय करिए। नेक्स्ट आइए इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब ये होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब आप लगाएं और लगाने के बाद मैं उससे भी एज अ नाउन वर्ब करा लें तो उसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव, एज अ सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस और एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस। अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि टू डाई इज नॉट ईजी, मरना आसान नहीं है, तो भैया यहां पे देखो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो आप लगा रहे हैं, मरना आसान नहीं है, जहां भी आपको टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले आपका आंसर जाएगा इन्फिनिटिव। ओके, अब देखो सुनना, मैं आपसे ये बोलूं इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव की वैल्यू किसके बराबर बेटा, नाउन के, नाउन के बराबर है। तो चलो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताना कि इजी क्या है, अंडरलाइन किया इजी को, और ऑप्शन है नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। कमेंट करें फटाफट से। तो ये आंसर इसका इन्फिनिटिव बन चुका है। वैसे तो इन्फिनिटिव की वैल्यू किसके बराबर है, नाउन के। अब नाउन अगर ये मान लें हम तो फिर इजी क्या है। ओके, कुछ लोग वर्ब लगा रहे हैं, देखो मेरे भाई और बहनों, तो फ्रेंड्स एक बार जरा चेक करिए, अगर ये वर्ब होता तो आपको क्या नहीं लगता है कि यार एग्जाम आर के बाद जब वर्ब लगाएंगे तो आईएनजी लगेगा। आई एम टीचिंग, आई एम टीच, सुना आई एम टीच, नहीं ना, तो आई एम टीचिंग यानी कि आईएनजी नहीं ले रहा है, आईएनजी नहीं ले रहा है बेटा, तो समझ जाओ वर्ब तो है ही नहीं। सबसे पहले इसे कट कर दो, इसको हटा दो। नाउन यानी कि मरना, मैं पूछू क्या आसान नहीं है, आप कहोगे मरना आसान नहीं है, जब मरना आसान नहीं है तो बेटा मरना तो नाउन है, और नाउन के लिए लगाया गया कोई भी वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। आंसर क्या लगाना है आपको, एडजेक्टिव। हाँ जी, तो फटाफट से कमेंट करके बताएं ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई। तो जब भी आपको टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले तो उसे क्या नाम देना है, इंफिनिटिव, और इंफिनिटिव की वैल्यू नाउन के बराबर, और नाउन के लिए लगाया गया वर्ड कोई भी क्या बन जाएगा, चलिए। तो भाई आगे सुने, जैसे अगर ये बोला जाए टू एड इज ह्यूमन, गलती किससे होती है, इंसान से। ओके, गलती करना इंसान का काम है, तो पूछ लिया जाए टू एड क्या है, तो ये बन जाएगा अपना नाउन, और इसको नाउन बोलो या नाउन नहीं बोलना है तो फिर क्या बोल देंगे, इन्फिनिटिव, क्योंकि इन्फिनिटिव की वैल्यू किसके बराबर चलती है, नाउन के बराबर। ओके, चलो तो भाई फटाफट से आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई दोस्तों जल्दी से, टाइम होता चल रहा है, आई थिंक 1 घंटा तो हो गया होगा आप लोगों को, और डेटा आपका खत्म हो रहा होगा भाई, कुछ लोगों को रील्स बनाने भी होंगे और देखने भी होंगे, तो इसलिए आगे बस एक बात और समझ लेते हैं, इसके बाद कल सीखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगली चीज समझते हैं पार्टिसिपल्स, और पार्टिसिपल्स को दोस्तों डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, द सेकंड वन
फर्स्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड वन परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, तीन तरह के पार्टिसिपल्स। अब देखिए पार्टिसिपल्स को जरा बेसिक समझते हैं छोटा छोटा। फिलहाल मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, माइन्यूट सी, मैंने बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूं। जब डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको पार्टिसिपल्स को, तो वहां आपको और समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट ये समझ लेंगे कि नाउन से पहले लगाया गया कोई भी वर्ड या तो एडजेक्टिव होता है या आर्टिकल होता है, दो चीज समझ ले। तो अगर हम नाउन से पहले किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले वर्ब में आईएनजी लगा दें और उससे काम करा दें एज एन एडजेक्टिव, तो वो माना जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहली बात तो ये समझ जाओ, प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप इस तरीके समझिए कि नाउन से पहले अगर हम वर्ब में आईएनजी लगा के एडजेक्टिव बना दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहली बात तो ये समझ जाइए। दूसरी बात, इसके स्ट्रक्चर अलग अलग बनते हैं, जैसे बीइंग से बनता है, इट बीइंग से बनता है, आफ्टर प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी से बनता है, प्रेपोजिशन प्लस वर्ब आईएनजी से बनता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर है, बाद में डिटेल में सिखाएंगे आपको। तो अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि आई सॉ अ रनिंग लेडी, आई सॉ अ रनिंग लेडी, इस केस में जो रनिंग है ये एक एज एन एडजेक्टिव है, जब वर्ब में आईएनजी लगा के एज एन एडजेक्टिव आप बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे अपना वर्बल एडजेक्टिव या बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरी बात, पास्ट पार्टिसिपल की अगर आप बात करें, देखो वर्ब में आईएनजी लगाने पर वो एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव की वैल्यू जब आईएनजी के साथ चल रही है तो समझ जाना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है सेकंड, इसी को हम बोल देते हैं वर्बल एडजेक्टिव। क्या बोल देंगे आप, वर्बल एडजेक्टिव। दूसरा, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है, जनरली ये वर्ब का थर्ड फॉर्म माना जाता है, तो इसमें आप ये मान लीजिए नाउन से पहले अगर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दें और वो वर्ब आपसे वर्ब कैसे कराना है एज एन एडजेक्टिव, तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोल सकते हैं। जैसे आपने बोला कि आई हैव अ बर्नड कार, मेरे पास एक जली हुई कार है, तो अ बर्नड कार, तो कार की जो विशेषता बन रही है वो कैसी है, बर्न। तो ये जो अगर मैं बोलूं बर्निंग कार, आई सॉ अ बर्निंग कार, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई हैव अ बर्नड कार, तो इस केस में बर्नड हमारा थर्ड फॉर्म है, जब वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा के आप एडजेक्टिव बना दो तो उसे बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। इसकी वैल्यू किसके बराबर है बेटा, एडजेक्टिव के बराबर। तीसरी चीज और एक समझ लेते हैं, छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं, बस स्ट्रक्चर बता रहा हूं अभी आप लोगों को। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है हैविंग और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए तो उसे क्या बोलेंगे आप, परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं हैविंग रीच्ड माय ऑफिस आई डिड माय वर्क, ओके। तो हैविंग से अगर कोई सेंटेंस हैविंग से शुरू हो रहा है और थर्ड फॉर्म ले रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। बाकी का देखो, परफेक्ट पार्टिसिपल उनको बोलते हैं जिसमें दो एक्शन चल रहे होते हैं, एक एक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाए और दूसरा एक्शन उसके बाद हो। तो हैविंग रीच्ड माय ऑफिस, ये वाला एक्शन पूरी तरीके से खत्म हो गया, जब एक एक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है उसके बाद में दूसरा काम हुआ तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। राइट, क्लियर। तो देखो अभी बेसिक्स है, छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं। तो नॉन फाइनाइट में हमने क्या क्या सीखा, एक तो जेरंड का स्ट्रक्चर सीखा, बस इतना याद रखिएगा वर्ब आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इन्फिनिटिव सीखा तो क्या होता है, टू प्लस वर्ब में आईएनजी। पार्टिसिपल्स तीन होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट। आईएनजी लगाओ नाउन से पहले एज एन एडजेक्टिव काम कराओ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में नाउन से पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, अनपरफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके आगे अब ये मत समझना ये चैप्टर खत्म हो गया, ये माइन्यूट,
ये केवल माइन्यूट बातें हैं, छोटी छोटी बात आपको बता रहा हूँ। डिटेल्स में पूरा कंप्लीट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वर्क पर लगभग 15-16 क्लासेस होंगी केवल एक चैप्टर पे वर्क पे, ओके। क्योंकि जितने भी मॉडल्स वर्क हैं उन सबको पूरा एक्सप्लेन करना है कि भाई कैन कब लगाना है, मे कब लगाना है, माइट कब लगेगा, शुड कब लगेगा, कुड कब लगेगा, वुड कब लगेगा, तो वो सारी चीज डिस्कशन अभी बाकी है। तो ये अपना हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है दोस्तों। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी, भैया जितने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया ले लीजिए। और लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि भाई सब लोग अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं, एक कायदे से चलें, ऐसा नहीं कि क्लास ले ली नोट्स नहीं बना रहे। और लोगों को पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि इतने सस्ते में क्वालिटी टीचिंग आप लोगों को मिल रही है, बेहतर मौका है, सबसे सस्ता सबसे बेहतर, ओनली 199। एक दो दिन में ऐप बनने वाला है, जैसे ही ऐप लॉन्च होने वाला है ऐप के बाद आपको एप्लीकेशन पे कोड मिल जाएंगे, बैच एप्लीकेशन पे चलेगा, नए नए बैचेस और लॉन्च होंगे, TGT, PGT, KBS, NVS, SSC, बैंक, क्लैरिकल, PO, सारे बैचेस इंडियन एयरफोर्स के जितने भी हैं, या NDA हो गया, CDS हो गया, CPO हो गया, जितने भी बैचेस हैं उन सबको धीरे धीरे लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों लोगों से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बाकी खुश रहें, इंजॉय करें, ओके। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खुदा हाफिज़, वंडरफुल कनेक्टिंग विद यू, थैंक यू सो मच।